रमन हटली मुख्य द्वार चंबा चौक पर बैठे 2 महीने से पुलिस स्वास्थ्य नायब तहसीलदार शिक्षा विभाग के कर्मचारी दिन रात कोरोना वायरस महामारी के चलते आगे रहने वाले योद्धा इस संकट की घड़ी में जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सभी को शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया सहित ब्लॉक अध्यक्ष सुरजीत राणा, व्यापार मंडल द्रमन प्रधान अश्विनी शर्मा, पूर्व प्रधान एवं व्यापार मंडल उप प्रधान करनैल करनैल सिंह, द्रमन पेट्रोल पंप मालिक त्रिलोक भट्ट, विवेक राणा, अजय बबली पूर्व प्रधान ने सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ने जो पैकेज की घोषणा की थी, केंद्र सरकार को उस पैसे की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या बाकी ही पे पैकेज धरातल पर पहुंचा है या फिर हवा में ही बातें हुई हैं। पठानिया ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो पैसा कोरोना वायरस महामारी में संकट के दौरान लोगों ने दान दिया है, क्या वह जिलाधीश कार्यालय में पहुंचाया गया है या नहीं, सरकार श्वेत पत्र जारी करे। पठानिया ने कहा कि जो शाहपुर में क्वारंटाइन सेंटर बने हैं उनके भुगतान और ट्रक रखाव के लिए प्रशासन जो है वे पैसे इकट्ठे कर रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर शाहपुर में यही हाल है तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। तो सरकार से मांग की है कि जो पैसा COVID-19 के लिए जो लोगों ने दान दिया है उसको कहां भेजा है, उसको जल्दी धरातल में पहुंचाया जाए। पठानिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही मध्यम वर्ग और बेरोजगारों के लिए और गरीबों के लिए जो है सीधे उनके खाते में सरकार 10,000 डाले, जिससे वो बेरोजगार नौकरी छोड़कर आए हैं या नौकरियों से निकाले हैं, उनका परिवार का पालन पोषण सही ढंग से हो। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे पर मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की सुविधाओं के लिए वेंटिलेटर दान देने जा रही है, जिससे इस संकट की घड़ी में मरीजों को कोई दिक्कत न आए। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुर द्वारा जो है वो कांगड़ा चंबा का हमारा महत्वपूर्ण बैनर है हटली, उसमें कोरोना वायरस के चाहे वो पुलिस के लोग थे, नायब तहसीलदार थे, हमारे रेंज अफसर थे, रेवेन्यू के अधिकारी थे, स्कूल के प्राध्यापक थे, उनको हमने जो कोरोना वायरस की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जगह जगह पर सम्मानित की, उसी कड़ी में आज सम्मानित किया। और अब मेरी वर्तमान सरकार से ये मांग है कि जो प्रधानमंत्री ने पैकेज डिक्लेयर किया है वो पैकेज जो है वो ग्राउंड में दिखना चाहिए। क्या वो जो उन्होंने पैसे भेजे हैं क्या वो पंचायतों में पहुंचे, चाहे वो सब डिवीजनों में पहुंचे। चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मांग है जो सीएम के फंड का पैसा है क्या वो सब डिवीजनों और डीसी तक पहुंचा। जहां तक इस मैं कहता हूँ श्वेत पत्र जो है सरकार को जारी करना चाहिए। जहां तक लोकल यहां शाहपुर की बात है, मेरे को यहां पता लगा कि जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर थे वहां यहां व्यापार हो या कहीं और से जो है पैसा इकट्ठा करके उसका जो है भुगतान किया जा रहा है। तो वर्तमान सरकार ये तो बताए जब सब डिवीजन शाहपुर का ये हाल है तो पूरे प्रदेश में पैसा वो गया कहां, जो लोगों का पैसा, कर्मचारियों का पैसा है, पेंशनर का पैसा है, फौजी भाइयों का पैसा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि उसका श्वेत पत्र वो जारी करें, जिससे कि और हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की 10,000 रुपया प्रवासी मजदूरों के लिए और 7,500 रुपया जो लोग बाहर से यहाँ आए हैं, 7,500 रुपया हर के खाते में डाले तब तो पता लगेगा। और इसमें भी जो जनधन के खाते हैं या बेरोजगारों के खाते हैं, जो प्रधानमंत्री अभी अनुराग ठाकुर जी ने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो पैसा वो आया है, तो ये तो बताए प्रदेश सरकार और हमारी जिले की सरकार की किस नौजवान के खाते में उन्होंने पैसे डाले हैं। तो हमारी कांग्रेस कमेटी की मांग है कि उसके ऊपर जो है वर्तमान सरकार जो है अपना पक्ष जरूर रखे कि ये पैसा दिल्ली से आया है और ये पैसा हमने आगे भेजा। जहां तक मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष ने फैसला दिया है, शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी 31,000 रुपया चीफ मिनिस्टर के फंड को भेजा है। कल उन्होंने फैसला लिया कि मैं टांडा, हमारा अनुरोध था टांडा मंडी और शिमला के जो हमारे कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस है हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये पैसा नीचे नहीं पहुंच रहा है तो हम पैसा नहीं देंगे। ये पैसा हम वेंटिलेटर जो है इन मेडिकल कॉलेजों को जो है खरीद के देंगे। तो ये बड़ा सराहनीय आदमी कुलदीप राठौर जी का जो है फैसला है, बड़ा सराहनीय फैसला है। और जो वर्तमान में जो स्वास्थ्य में घोटाले हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का सीधा स्टैंड है कि हम सिटिंग जज से हमने जो है इंक्वायरी मांगी।